प्रेस क्लब महोबा की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, पत्रकारों के हित की बात की गई, पत्रकारों का हो रहे उत्पीड़न की बात की गई, सारी तरह की पत्रकारों की समस्या के लिए आज बैठक का आयोजन हुआ। प्रेस क्लब अध्यक्ष संजय मिश्रा जी हैं, आज इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेस क्लब समय समय पर बैठकें करता रहता है, पत्रकारों के जो समस्याएं हैं, पत्रकारों की जो आगे की हमारी जो प्रेस क्लब की आगे की कार्य योजनाएं हैं, इन पर हमारे पत्रकार साथियों ने अपने सुझाव दिए हैं और हमारा ये दायित्व बनता है कि उन सारे जिम्मेदारियों का निर्वहन जो हमारे पत्रकार साथियों ने हम पर सौंपा है वो हम पूरा कर पाएँ, क्योंकि हमारे साथी जो हैं वो सभी जिम्मेदार साथी हैं और हमारे पिलर भी हैं वो, और हमारे पत्रकार साथियों की जवाबदेही भी अपनी अपनी जगह पर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी साथी अपना काम अच्छी तरीके से पूरी ईमानदारी से करें और करते भी हैं। और आपने पूछा कि इस बैठक का क्या उद्देश्य है, तो समय समय पर प्रेस क्लब की बैठक पत्रकारों के हित में और आगे हम क्या और अच्छा कर सकते हैं इस बारे में हमारी योजनाएं अमल में आएँ, इस संदर्भ में सभी साथियों के साथ विचार विमर्श की ऐसी बैठकें का दौर चलता रहता है। कोरोना काल के कारण चूँकि लंबे समय से बैठक नहीं हो पाई और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप था, और इस बैठक के माध्यम से आज ये फिर से परिपाटी का शुरू हुई है और जल्द से जल्द और भी बैठकें की जाएंगी और जो पत्रकारों की संबंधित समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा। साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं और महामंत्री है प्रेस क्लब के त्रिपाठी जी, कोरोना काल के बाद लंबे समय के बाद प्रेस क्लब की मीटिंग आज आयोजित की गई है, तो किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया गया? कोरोना काल के बाद हम लोग काफ़ी लंबे समय बाद एकत्र हुए हैं। हम लोगों का लक्ष्य था कि हमारे प्रेस क्लब के जो सदस्य हैं उनकी कोई समस्याएं जो पेंडिंग है, जो पिछले 6 महीने से हम लोग निपटा नहीं पाए, उन पर विचार विमर्श किया जाए कि उनकी समस्याएं कैसे दूर की जाएं। कोई उत्पीड़न की समस्या है, कोई एजुकेशन की समस्या है, कोई एडमिशन की समस्या है, इन सब पे विचार करने के लिए हम लोगों यहाँ एकत्र हुए हैं और हम लोगों ने निर्णय किया है कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। प्रेस क्लब्स की बैठक में आयोजित किया गया है कि जल्द से जल्द पत्रकारों की समस्याओं को निवारण किया जाए और आने वाले समय में ऐसी कोई समस्या न रहे जो पत्रकारों के लिए उत्पन्न साबित हो। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड।